हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन फैशन स्टाइल। मैं हूँ पूनम और आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कि आप अपनी साड़ी को किस तरह से परफेक्टली ड्रेप कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साड़ी को मैंने पेयर किया है एक शेपवेयर और ब्लाउज के साथ। तो ये शेपवेयर फिश कट डिज़ाइन में है और इसकी जो फैब्रिक है वो स्ट्रेचेबल फैब्रिक में है। ब्लाउज बहुत ही आपको अच्छे से फिटिंग आ जाएगी। अगर आप इन सभी को लेना चाहते हो, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। साड़ी की बात करूँ तो साड़ी की फैब्रिक क्रेप सिल्क है और इसकी डिज़ाइन कांजीवरम है। साड़ी ड्रेप करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आप कोई सा भी फुटवेयर पहन लो, ताकि जब भी आप साड़ी को ड्रेप कर रहे हो तो उसमें जो लेंथ है साड़ी की, कि कितना मेजरमेंट रखना है वो आप अच्छे से देख पाओ, ताकि वो एटलीस्ट फ्लोर लेंथ तक रहे। तो यहाँ पर जो साड़ी की स्टार्टिंग थी उससे मैंने जो साड़ी में सबसे बेसिक राउंड या फिर फर्स्ट राउंड होती है वो मैंने लगा दी है और इन सभी फैब्रिक को मैंने अच्छे से टकिंग कर दी है, ताकि साड़ी ड्रेप करने के बाद ये कहीं से भी फूला फूला ना दिखे और आपकी साड़ी की जो ड्रेपिंग की लुक है वो इनकम्प्लीट ना रह जाए। तो अच्छे से साड़ी को झटकते हुए आपको देखना है कि ये फ्लोर लेंथ तक जा रहा है या नहीं, और फिर सभी फैब्रिक को अच्छे से टकिंग कर देनी है पेटीकोट में या फिर शेपवेयर जो भी आप यूज़ कर रहे हो। तो इस तरह से साड़ी को पकड़ते हुए पल्लू में जाना है, सीधा ही पल्लू में नहीं जाना है। तो पल्लू के पास में ही साड़ी की ब्लाउज पीस है। तो अब मेरी राइट हैंड में जो साइड है, बॉर्डर लाइन है, वो अपर बॉर्डर लाइन होती है जो अंदर की तरफ रहती है, और जो लेफ्ट साइड में है वो लोअर बॉर्डर लाइन है लेकिन दिखती बाहर की तरफ है। तो अभी आप अगर प्लीटिंग बनाना और भी आसान तरीके से चाहते हो तो इस तरह से भी साड़ी में प्लीटिंग अरेंज कर सकते हो। इन साड़ियों में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो बाहर वाली बॉर्डर लाइन है उसको पकड़ना है और उसे हमेशा बड़ी साइज में रखें। बाकी जितनी भी है वो मीडियम साइज़ में रखने से भी चलेगा बाकी उससे। तो इसके बाद ऐसे ही फोल्ड करते हुए फैब्रिक को आप अपने लेफ्ट हैंड की मदद से दबा के रख सकते हैं। तो मैंने जैसे किया बिल्कुल उसी तरह से आप कर सकते हो इन साड़ियों में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है तो ये आसानी से प्लीटिंग बन रहे थे। अब इसकी जो डायरेक्शन है प्लीटिंग की वो राइट की तरफ रहेगी जो अंदर वाली है। अब सारे प्लीटिंग को झटक देना है। देख सकते हैं कि इनमें आसानी से प्लीटिंग बन चुके हैं, फिर भी हमें इनको अच्छे से ड्रैप करने के लिए हमें और भी ज़्यादा अच्छे से इनको पकड़ के इनमें प्लीटिंग बनानी है। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल मेजरमेंट के हिसाब से जैसे इनमें लुक आ रहे थे बिल्कुल उसी तरह से मैं इनमें प्लीटिंग बनाती जा रही हूँ, और लगभग जितना पल्लू मुझे चाहिए होगा मैं उतने रंग का यहाँ पे पल्लू बना दूँगी जितनी भी प्लीटिंग है उनकी मदद से। तो प्लीटिंग अच्छे से बन गए, यहाँ पे उतना ज़्यादा तामझाम करने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर देखिए इतना तो बन चुका है, अब और थोड़ी सी प्लीटिंग लंबा कर दूंगी। जैसे कि साड़ियों में अगर आपकी पल्लू लंबी हो तो आपकी जो हाइट है और साड़ी की जो ड्रेपिंग है और भी ज़्यादा परफेक्ट लगने लगती है। अब सारी प्लीट्स को अच्छे से अरेंज कर लेनी है। अरेंज करने के बाद यहाँ पर मैं साड़ी पिन का इस्तेमाल करूँगी। जहाँ पर भी मुझे लगता है कि सेफ्टी पिन का यूज़ ना करना बेटर है वहाँ पे मैं साड़ी पिन का इस्तेमाल करती हूँ। तो मैंने देख लिया कि मुझे इतना पल्लू चाहिए, फिर यहाँ पे मैंने एक साड़ी पिन की मदद से इनको सिक्योर कर लिया। अब इसे पीछे से घुमाते हुए बिल्कुल अपने लेफ्ट शोल्डर पे डालना है। तो आप अगर डालते टाइम आपको ध्यान रहे कि प्लीटिंग हाथ से ना छूटे अगर आप साड़ी पिन का यूज़ ना कर रहे हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से इसको सेट करते हुए अपने शोल्डर पे रखा है, और फिर यहाँ पे एक सेफ्टी पिन की मदद से साड़ी की प्लीटिंग या फिर पल्लू जो भी है इसको मैं सिक्योर कर लूँगी और सेफ्टी पिन को लॉक कर दूँगी। तो ऐसे साड़ियों में फ्रंट प्लीट के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से इनमें फ्रंट प्लीट बन जाते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ फैब्रिक पीछे की तरफ रखते हुए यहाँ पर जैसे बना हुआ है बिल्कुल उसी तरह से सेफ्टी पिन लगा दूंगी। बस ऊपर वाला जो बॉर्डर लाइन है उसको मैं हटाते हुए यहाँ पे सेफ्टी पिन लगा रही हूँ, ताकि सेफ्टी पिन इनविजिबल रहे। देखिए ये आसानी से बन चुका है। अब मुझे कमर की फिटिंग बनानी है, तो कमर की फिटिंग के लिए भी आप इस तरह से साड़ी को तिरछे पकड़ते हुए बिल्कुल अपने राइट लेग के पास ले जाए और पैरों को थोड़ा सा ऐसे करके रखे, ताकि वो अच्छे से दिखे कि आप चलते फिरते टाइम में किस तरह से साड़ी को रख पा रहे हो। और फिर मैंने एक सेफ्टी पिन की मदद से यहाँ पे साड़ी को लॉक कर दिया है। तो सेफ्टी पिन लगाते टाइम सेफ्टी पिन में कुछ बीड वगैरह डाल दें ताकि साड़ी डैमेज ना हो। अब कुछ ही फैब्रिक को उठाते हुए आप ये देख सकते हैं मैंने बिल्कुल थोड़ा सा टाइट पकड़ा हुआ है, और इसको अब राइट साइड में उसी फैब्रिक को टक करते हुए यहाँ पे साड़ी पिन की मदद से सिक्योर कर देंगे। तो कमर की फिटिंग भी अच्छे से बन गई है। अब कुछ ही दूरी पे फैब्रिक को इस तरह से तिरछी पकड़ना है, और पकड़ने के बाद देख सकते हो जो फर्स्ट वाली प्लीट आ रही है ना, वहीं से हमें प्लीटिंग बनाना स्टार्ट करना है सेंटर प्लीट के लिए। तो मीडियम साइज़ की प्लीट इनमें मैं बना रही हूँ। ऐसे भी सेंटर प्लीट की जो लुक है काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस ट्रिक को इस तरह से। अब जो लास्ट वाली प्लीट रह गई है ना बाहर की तरफ जो दिखती है हमारी सेंटर प्लीट में, उसको बाकी प्लीटों से बड़ी रखनी है, और जो राइट साइड में फैब्रिक होती है उनको सारी इसी के साथ एडजस्ट कर लेनी है। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए देख सकते हैं जितनी भी प्लीटिंग है वो बाकी पहली वाली से छोटी है। अब इन्हीं के जितने भी कॉर्नर है सभी को अच्छे से मिलाते हुए
एक सेफ्टी पिन का यूज़ कर सकते हैं या फिर साड़ी पिन का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सेफ्टी पिन यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे सेफ्टी पिन का यूज़ किया है, बिल्कुल कॉर्नर पे सेफ्टी पिन को लगाया मैंने, साड़ी के बीचों बीच मैंने यूज़ नहीं किया। अपना साड़ी को अच्छे से शेक करें, तो अच्छे से शेक करने के बाद जितनी भी सेंटर प्लेट है बहुत ही अच्छे से नज़र आ रहे थे। मुझे लगा था कि मुझे साड़ी को पकड़ते हुए नीचे की बॉर्डर लाइन को भी सही करनी पड़ेगी, लेकिन मैं देख रही थी मुझे ये स्टेप नहीं करना पड़ा। अच्छे से जितने भी सेंटर प्लेट है वो विजिबल हो रहे थे, बॉर्डर लाइन भी अच्छे से सेट हो चुकी थी। तो इनको अभी ना थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके कि थोड़ा एक इंच दूरी पे बनाए रखें और फिर इनको अच्छे से टक इन कर दें सेंटर में। सेंटर में टक इन करते टाइम ध्यान रहे कि आप प्लीटिंग को हाथ से पकड़े हुए रखें। तो देखिए अच्छे से ये तो सेट हो गए। अब कुछ कुछ होते हैं कि जो अंदर की तरफ चले जाते हैं, इनको थोड़ा सा विजिबल करना है। और फिर यहाँ पे एक साड़ी पिन की मदद से जो कमर की फिटिंग वाली बॉर्डर लाइन है उसको भी मैं यहाँ पे इक्वली इनके साथ सेट कर रही हूँ। तो इसलिए मैंने पिन को तिरछी रखा हुआ है। तो तिरछी रखने के बाद यहाँ पे बस मुझे जो फ्रंट प्लीट है वो थोड़ी सी सेट करनी है, क्योंकि वो मैंने पहले किया नहीं था। फ्रंट प्लीट भी अच्छे से सेट हो रहे थे, ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो आसानी से मैंने साड़ी को ड्रेप कर लिया। देख सकते हैं कितने अच्छे से ये प्लीट बने हैं। तो ये साड़ी की फाइनल लुक आप देख सकते हैं कितनी प्यारी निकल के आई है और परफेक्ट भी बनी है, उतना ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट में ज़रूर शेयर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें। आप इसे किसी भी वेडिंग या फिर पूजा ओकेशन किसी में भी आप ड्रेप कर सकते हैं। सो अगर आप मेरे वीडियोस को पहली बार चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दें, इससे मेरे आने वाली हर वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो करने के लिए आईडी पे जाके जो मैंने स्क्रीन पे शेयर किया है उसमें जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।